हेलो स्टूडेंट, ये सैफई इटावा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा का ये वीडियो नंबर मैंने सेकंड बना रहा हूँ। तो ये यहाँ से आप पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी और नर्सिंग के पर मतलब आप कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हैं। और ये वीडियो नंबर मैं सेकंड बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या क्या बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो ये मैंने बता दिया था कि ये कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT, BPT, BRIT, BOptometry, BPharma, BSc नर्सिंग, GNM, ANM और सब ये डिप्लोमा डिग्री, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। और इसमें क्या बता दिया था, और मैंने ये बताया था कि कौन से स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th और 12th दोनों पास स्टूडेंट होंगे वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और वो UP इससे पास होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से इंटर और हाई स्कूल किए होंगे या इंटर या हाई स्कूल, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र UP का होना चाहिए, ये मैंने बता दिया था। और कौन से स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कौन से कोर्स इंटर और हाई स्कूल किए होंगे, तो अगर वो मैथ वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए मैंने बताया था। अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे, ये देखिए इसमें PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाले स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स। तो ये देखिए कौन कौन से कोर्स ये स्टूडेंट कर सकते हैं, PCB वाले, ऑल बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, ये सब मैंने बता दिया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें CPNET का ये जो अभी 2020 में जब हुआ इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो पहले तो ये ऑफलाइन होता था। मतलब ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप पेन पेपर कॉपी, मतलब आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा तो तब होगी, और फिर पेन पेपर की आवश्यकता पड़ती है। और 2020 से क्या हुआ, जब COVID-19 आया डिजीज जो है, तो कंप्यूटर बेस हो गया। अब 2020 बैच के लिए जब ये क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो फिर देखा जाएगा कि मतलब अभी तो कोई 100% है नहीं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। वैसे ऑनलाइन आप मान के चलिए कि कंप्यूटर बेस ही होगा, हो सकता है ऑफलाइन भी हो अगर कोरोना ना हो। ऐसे तो अभी तो कोरोना का केस भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है फिर 2021 में कंप्यूटर बेस, तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मान के ही चलिए। चलिए देखते हैं, आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन टाइप का पेपर बनता है। पेपर फर्स्ट बनेगा, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और एक ही दिन सभी का पेपर होता है। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो 11th से मिलेंगे, 11th क्लास से और 12th क्लास से, दोनों क्लास से मिलते हैं। जैसे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन को आपको मिलेंगे, 33 नंबर, केमिस्ट्री से 33 नंबर और बायोलॉजी से 34 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं, और विदाउट माइनस मार्किंग सभी क्वेश्चन करने होते हैं। कोई क्वेश्चन गलत करने पे आपका मार्क कम नहीं किया जाता है। और अगर मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो यहीं से बायोलॉजी के स्थान पे मैथ आ जाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है, और सेम 33 34 34 मैथ का हो जाता है। और अदर ग्रुप मतलब कॉमर्स और आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल स्टडीज़ मतलब सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन करने रहते हैं इतने, और आपका अच्छा करेंगे तो सिलेक्शन काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि 2021 में समथिंग में लगभग में कब फॉर्म आ सकते हैं इसके, तो समथिंग में ये मान के चलिए अभी अगस्त सितंबर मान के चलिए आप आ जाएगा। वो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था और इस वीडियो में भी ऐसे ही बता दिया, लगभग अभी 5 मंथ आपके पास हैं, और अभी तो इतना बता देंगे, 4 5 4 मान के चलिए, तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी कोई भी वीडियो मेरी पढ़ रही है तो मैं प्रिपरेशन भी कराता हूँ ना इस पर। प्रिपरेशन का मतलब कि मैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी तीनों करा रहा हूँ, और तीनों इतनी वीडियो लगभग पुरानी वीडियो आप लोग सभी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पुरानी वीडियो देखिए ज़रूर, और डेली कम से कम अभी 6 से 8 घंटे तो आपको डेली पढ़ने ही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो 10 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा आप लिमिट बना के चलिए, 12 घंटे से तो कम होगा नहीं, तो अभी तो कम से कम आप 6 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे तो आप पढ़िए ही। और
हाँ तो पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, अच्छे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और हाँ फिर मैं इतनी अच्छे से तैयारी करा दूंगा कि आपका अच्छे से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अधिक सही भी हो सकते हैं, बट आपको एकदम पढ़ाई तो आप ही को करनी है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे फीस, हाँ चलिए देख लेते हैं फीस कितना लगता है। अगर आप कोई भी डिग्री कोर्स करते हैं तो आपको टोटल 29,500 रुपये लगेंगे। अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं 25,000 लगेंगे। और अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तो हॉस्टल का 4,800 रुपये एक साल का लगता है, 4,800 रुपये। तो आपके टोटल डिग्री कोर्स करते हैं तो 34,300 टोटल लगते हैं, मेस छोड़ के, जो खाना खाते हैं वो मेस छोड़ के, वो 2,1900 रुपये वो जो लगते हैं वो छोड़ के। तो ये सिर्फ फीस हम बता रहे हैं, मेस तो बाद में बताएंगे। तो 34,300 टोटल फीस लगती है डिग्री कोर्स की और 29,800 डिप्लोमा कोर्स की फीस लगती है यहाँ पे पर ईयर एक साल का। और आपका क्या स्कॉलरशिप आ जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम वही जमा कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। चलिए हम लोग और देखते हैं कि क्या हम इसमें बता सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को तेज़ी से ग्रो करें, क्योंकि मैं तैयारी करा रहा हूँ तो आप आसानी से यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं पूरा हेल्प करूँगा, सिलेक्शन तो मैं नहीं करा सकता, सिलेक्शन तो आप ही को लेना, मैं क्या करूँगा सिलेक्शन लेने में आपकी मदद कर दूँगा। मतलब आप अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो हाँ आप 70-80 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे आसानी से। तो आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि हाँ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या हो गया आप पैरामेडिकल का कोई कोर्स या फिर फार्मेसी का कोर्स कौन सा करना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई जारी रखिएगा। और कितने क्वेश्चन का टारगेट आप बना के फिक्स चलिए, आप 70 क्वेश्चन से कम टारगेट बना के, आपको 70+ क्वेश्चन से कम टारगेट बना के पढ़ाई करनी ही नहीं है, नहीं तो फिर आपको अच्छे कोर्स नहीं मिलेंगे। मतलब आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कोर्स कौन सा करूँ, ये यूनिवर्सिटी फिर डिसाइड करेगी कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। और अगर आप 70+ क्वेश्चन सही करेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सा कोर्स इसमें से करूं, कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो आप 70+ क्वेश्चन आप एकदम टारगेट बना के चलिए। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको बता देंगे जो भी होगा। तो आप लोग अभी पढ़ाई शुरू करके एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।